हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई ब्रीड जो अभी तक इस चैनल पर सिर्फ एक बार डली है। लेकिन आज कोई छोटा पपी नहीं है, थोड़े बड़ा पपी है। ये 5 मंथ का सेंट बर्नार्ड पपी है गाइस, ठीक है। 5 मंथ का हो चुका है, 6th में चल रहा है, ठीक है। आप जानते हैं 5 मंथ से ऊपर सेंट बर्नार्ड बड़ा हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा हट्टा कट्टा बच्चा है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में, जो ये ओनर हैं ये लेके आए थे इसको, लेकिन अब क्या है कि इनका घर छोटा है, लेकिन ये अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, तो ये चाहते हैं कि जो इनका डॉग लेके जाए वो ऐसा आदमी हो जिसका घर थोड़ा बड़ा हो और जो जहाँ पे ये डॉग अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए और इसकी केयर भी कर पाए, ठीक है। सेंट बर्नार्ड है तो आप सब जानते हैं, ग्रूमिंग मांगेगा, एसी मांगेगा, टेम्परेचर उसको लो चाहिए। तो आप में से सिर्फ वो लोग जो इसको ख़रीदने के बाद इसकी केयर कर सकते हैं, ग्रूमिंग कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग इनको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और इसका मैं रेट बता देता हूँ, इसका रेट बहुत कम रखा है इन्होंने, 12,000 रुपये, बाकी वैक्सीनेशन वगैरह सब हो चुका है, और ये 12,000 निगोशिएबल है, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके, आप देख लीजिए, एकदम प्योर सेंट बर्नार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि गाइस, कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्रीड को वीडियोज़ में देख के या फिर किसी और के पास देख के, जो कि उसको टहला रहा होता है या चला रहा होता है, उसको देख के हम इतना ज़्यादा उस ब्रीड से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमको भी यही चाहिए, हमको भी यही चाहिए, ठीक है। आप ब्रीड को ले तो आओगे, लेकिन आप ये सोचो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओगे। अगर आप सेंट बर्नार्ड ला रहे हो या फिर किसी ठंडी जगह का डॉग ला रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइबेरियन हस्की ला रहे हो, तो क्या आप साइबेरियन हस्की के लिए अपने घर में 24 घंटा एसी अरेंज कर सकते हो गर्मियों में? अगर नहीं कर सकते हो गाइस, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, प्लीज़ आप मत लाइए, क्योंकि आपका डॉग गर्मी में परेशान हो जाएगा। आप बाल भी शेव कर दोगे तब भी उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, और फिर उसको हेल्थ इश्यूज होंगे, उसके स्किन प्रॉब्लम होंगे, ज़्यादा ही डिसहैपनिंग हो गई तो डेथ भी हो सकती है। खैर, ऐसा कभी किसी के साथ ना करे भगवान, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप अपने डॉग को उतना टाइम दे पाओगे जितना आप सोचते हो? क्या आप उसको इतनी ग्रूमिंग, इतनी केयर दे पाओगे? अगर नहीं दे पाओगे सर, तो प्लीज़ जब भी आप कोई ब्रीड लाएं, तो उससे पहले इंटरनेट पे या किसी जानकार व्यक्ति से उसकी सारी जानकारी लें, उसके बाद ही उसे अडॉप्ट करें, ठीक है। वरना फिर जब 5 महीने का हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा, तो आपको उससे इतना प्यार हो जाएगा, तो आपको अंदर से बहुत गिल्ट फील होगा कि यार, मैं इसको प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ इस डॉग के लिए जो ये डिज़र्व करता है, ठीक है। तो आपके साथ कभी ये ना हो फ्रेंड्स, मैं बस यही चाहता हूँ। तो चलिए, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेंट बर्नार्ड पपी जो कि है जयपुर से। मैं एड्रेस आपको भी बताता हूँ, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए।
तो गाइज़ आई होप आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़ ये जो डॉग था इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको। ये जयपुर में जल महल के पास है, पूरा एड्रेस तो मुझे अच्छे से याद नहीं लेकिन जल महल के पास है। आप ओनर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो अगर आप जयपुर में हैं या जयपुर में इसे लेने जा सकते हैं। डिलीवरी अवेलेबल नहीं है गाइज़, तो प्लीज़ अगर आप जयपुर में हैं या जयपुर में इनसे मिलने जा सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर है भाई का, आप इनसे बात कर सकते हैं। 12,000 इसकी प्राइस रखी है इन्होंने। वैसे तो ये खुद ही बहुत ही सस्ती प्राइस है सेंट बर्नार्ड के लिए, प्योर क्वालिटी हाई क्वालिटी सेंट बर्नार्ड के लिए, लेकिन आप बात कर लीजिए, ये और ज़्यादा निगोशिएबल है। अगर आप इसको प्यार से रख सकते हैं तो इसमें निगोशिएशन आराम से हो जाएगा, भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते फैमिली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सेंट बर्नार्ड को रख पाए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आप इसको ले जाएं फिर पंखे में रखें, है ना, आप भी परेशान होंगे, डॉग भी परेशान होगा और भाई भी परेशान होंगे जिनका ये है। तो चलिए गाइस मैं आपको बता दूं एक और चीज़, एंड वाली चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूं, अगर आपके घर पे भी ऐसे कोई पपीज़ हैं या कोई डॉग है जो आपको अडॉप्ट कराना है या सेल करना है, आप मेरे थ्रू कराना चाहते हो, तो मेरा नंबर है 9140933298, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा, मैं अननोन नंबर नहीं उठाऊँगा। और चलिए गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।